बात करते हैं, ये मूवी में काम कर रहे हैं। अतुल तिवारी जी, आप ये बताइए, आप इस मूवी में क्या कर रहे हैं, आपका किरदार क्या है? मैं इस फिल्म में मुख्यमंत्री बना हूँ। इस फिल्म में जो भू माफिया हैं और बालू माफिया हैं, तो प्रदेश में एक प्रकार से कानून की व्यवस्था को सही करना, अपराधों पर नियंत्रण करना, ये मुख्य जिम्मेदारी है, जिसके तहत पुलिस अधिकारियों को निर्देश देना और जो इस फिल्म के हीरो हैं, जिनके माता पिता को माफियाओं ने मार दिया था, उन हत्यारों को जेल भेजना, ये जो एक कानून का प्रशासन का जो मुद्दा था वो पूरा। ये मूवी में आपने पहली मूवी है या इसके पहले भी आपने काम किया? देखिए, मैं छोटे छोटे कुछ एल्बम किया हूँ और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन ये हिंदी फिल्म है पहली बार में। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या उम्मीद करते हैं फिल्म क्या रिस्पांस करेगी? भाई देखिए, जिस तरह से मैंने ट्रेलर देखा, तो ट्रेलर देख के तो लग रहा है कि जिसने भी देखा, हम दिखाया, वो कह रहा है कि बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना। और हमको लगता है जो विषय पर बनी वो बड़ी ज्वलंत है आज के समय। भ्रष्टाचार भी है, अपराध भी है, आज जनता भी त्रस्त है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा विषय है जी, कि इस विषय पर कई फिल्में बनी और वो हिट हुई, लेकिन ये फिल्म चूँकि यहाँ के आसपास का है, इलाहाबाद का, तो मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश में अच्छी सफलता पाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसकी शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है? देखिए, इसकी शूटिंग तो कई जगह हुई, लेकिन इलाहाबाद को मुख्य आधार रखा गया, यहीं कलाकारों को काफ़ी दिया भी गया जी, और आसपास के जितने क्षेत्र थे, मिर्ज़ापुर, बनारस, उन लोकेशनों को भी लिया गया, देश से बाहर भी गए लिया गया। तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है इस फिल्म की, निर्माता और निर्देशक का जो रुझान है कि उत्तर प्रदेश को भी फिल्मों के हब में लाना। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो भी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कहा भी है कि उत्तर प्रदेश में नोएडा में फिल्म निर्माण का एक अच्छा केंद्र होना चाहिए, ताकि यहाँ की फिल्म निर्माण का एक अच्छा केंद्र बन जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। सभी लोग बम्बई ना जाएं, मुंबई ना जाएं। मैं समझता हूँ ये मील का पत्थर होगी, और भी निर्माता और निर्देशक प्रेरित होंगे ऐसी फिल्मों से कि उत्तर प्रदेश के जिलों में शूटिंग होगी, नए कलाकार मिलेंगे, नया रोजगार मिलेगा और फिल्म निर्माण उद्योग का एक भविष्य खड़ा होगा। हमको एक ये चीज़ बताइए मेन चीज़, कि ऐसा मतलब क्या चीज़ हो यूपी में कि यूपी में लोग फिल्में बनाएं, फिल्में बने, यहाँ भी इसका रोज़गार हो, इसका बिजनेस हो, जैसे हमारे देश में मुंबई में होता है, दिल्ली में भी शूटिंग होती है, मद्रास में भी होता है, कलकत्ता में भी होता है, अपने यूपी में नहीं। हालांकि हमसे पीछे बिहार भी है, वहाँ भी मूवी चल रही है, काफ़ी हीरो भी वहाँ के हिट हो चुके हैं, लेकिन अपना यूपी अभी तक इस मामले में प्रोग्रेस नहीं कर पाया है। हाँ, यह बात सही कह रहे हैं कि अभी तक जो फिल्म के केंद्र रहे हैं निर्माण के, वो ज़्यादातर या तो आपका मद्रास रहा साउथ का, या आपका मुंबई रहा हिंदी फिल्मों का, और इधर आपका बंगाली और कलकत्ता में रहा, और सबसे ज़्यादा जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश सबसे जनसंख्या वाला है और यहाँ पर ही फिल्में हिट होती हैं। कोई भी हिंदी फिल्म जब यहाँ से हिट होती है तभी वो मुनाफा पाती है। तो ये विडंबना रही कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में यहीं से कई लेखक बने, दिल्ली गए, मुंबई गए, यहीं से कई हीरो निकले या निर्देशक निकले, लेकिन अब जो नई पीढ़ी आई है वो अपनी ज़मीन पर ध्यान दे रही है, और जो हमारे यहाँ छोटे छोटे गांवों शहरों में कलाकार हैं वो निकल के आ रहे हैं। और देखिए, जब तक सरकार का सहयोग ना या कोई पूंजीपतियों का सहयोग ना हो, तब तक निर्माण जल्दी किसी उद्योग का होता नहीं। लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ, विगत 10 वर्षों से एक मुहिम छेड़ी गई है कि उत्तर प्रदेश को भी फिल्म निर्माण का हब बनाया जाए, जिसमें नोएडा को चुना गया,
और मैं समझता हूँ यहाँ पर लोकेशन भी बड़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि आपके पास लोकेशन ना हो। बुदेलखंड का एरिया बहुत अच्छा लोकेशन में है, बाकी सारनाथ है आपका, और थोड़ा चले जाइए पूर्वांचल में तो आपको नेपाल की तराई का एरिया मिल जाएगा। अच्छा, हम आपकी बात यहाँ पे रोकते हैं। आप एक चीज़ ये बताइए, उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या किया जाए कि लोग यहाँ भी फिल्में बनाएं? अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं समझता हूँ कि पहली चीज़ तो अनुभव, तकनीकी कौशल लोगों को समझ में आवे, और पैसा भी लगाने वाले लोग मिल जाए, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंसर यहाँ भी उत्पन्न हो। और इसको मेरा यह मानना है कि एक उद्योग का दर्जा जब उत्तर प्रदेश में दे दिया जाएगा फिल्म को भी, और सरकार की ओर से भी सारी सुविधाएं दी जाए, तो मैं समझता हूँ छोटे बजट की फिल्में बने, लेकिन एक प्रेरणा होनी चाहिए कि ठीक है बड़े बड़े निर्देशक, बड़े बड़े बैनर नहीं है, लेकिन छोटे बजट की फिल्में भी बनने लगेंगी। तो मैं समझता हूँ कि हिंदी भाषी क्षेत्र है, काफ़ी कुछ फिल्म के लिए अच्छी संभावना वाला है। अच्छा, आपको अनुभव क्या कहता है कि जैसे कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, या इसके पहले भी जो थे, इस फिल्म के संबंध में उन्होंने कुछ छूट या कुछ ऐसा विचार किया था कि लोग यहाँ फिल्म बनाएं, क्या उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है इस बारे में? देखिए, मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी में कुछ, चूँकि अभिनेता भी उसमें विधायक या एमपी रहे, तो एक प्रकार से उस सपा में ये कोशिश की गई कि इनका अनुभव लिया जाए, और उत्तर प्रदेश में काफ़ी कुछ सुविधाएं देने का प्रयास किया गया। और मैं समझता हूँ उन्हीं के कार्यकाल में ये नोएडा वो फिल्म निर्माण के लिए चुना गया कि यहाँ पर फिल्म नगरी का एक केंद्र बनेगा, और फिल्म जो थी काफ़ी फिल्में टैक्स फ्री की गई जो किसी विषय पे या जनता से जुड़ी हुई रही, किसानों की रही हो या चाहे राष्ट्रवाद पर रही हो। तो मैं समझता हूँ एक पहल अच्छी की समाजवादी पार्टी के, जब मुलायम सिंह के या अखिलेश सिंह के जी, और उसी को कंटिन्यू हमको लग रहा है ये इस सरकार को भी यही करना चाहिए। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं सरकार ने क्या पहल किया, क्या शुरुआत उसने किया? जैसे आपने कहा कि उसने पहल किया, मतलब क्या पहल किया उसने? भाई, मैं समझता हूँ पहले तो जो मुंबई में फिल्म बनाते थे उनको यहाँ पर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको जो भी लोकेशन चाहिए या अनुदान चाहिए हम आपको देंगे, आपकी फिल्मों में हम टैक्स फ्री भी करेंगे अगर आप यहाँ शूटिंग करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ दी गई, यहाँ आप शूटिंग करेंगे तो हम टैक्स फ्री करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो भोजपुरी बेल्ट है भाषा का, इस फिल्म, इस भोजपुरी का जो क्षेत्र था, कई फिल्में बनी और कई फिल्में हिट भी, लेकिन इसका सारा क्रेडिट बिहार है। तो मैं समझता हूँ भोजपुरी की भी संभावना है, हिंदी फिल्म की भी संभावना बहुत अच्छी है। बरसते हमारी सरकार और हमारे जो फिल्म निर्माण के क्षेत्र के लोग हैं, जैसे उदीमान राकेश श्रीवास्तव जी हैं, नवदीप जी हैं, कई कलाकार हैं थिएटर के, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर रंगमंच का बड़ा प्रचलन बढ़ा है इधर। जब से ये फिल्म के लिए सुविधाओं का माहौल बना, पहले रंगमंच में देखता था नगण्य रहता था, अब कम से कम यह कि यहाँ के रंगमंच में दो तीन जो है नाटक देखते हैं, कुछ नए नए कलाकार हैं, कुछ बाहर जा रहे हैं फिल्मों में काम करने, फिल्म वाले यहाँ आके बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये देर आए, दुरुस्त आए, लेकिन अभी इसमें वास्तव में बहुत ज़रूरत है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बातें होती रहेंगी, बातें अभी और भी लंबी हैं, तो बात को यहीं ख़त्म करते हैं।